हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे हरा धनिया पराठा। हरा धनिया से पराठा बनाएंगे, ठीक है? धनिया पत्ता से पराठा बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने धनिया पत्ता को बारीकी से काट के रखे हैं। ये छोटा सा टुकड़ा अदरक, दो हरी मिर्च, ये लहसुन की कलियाँ और ये टमाटर, इन सबको हमने ग्रेट कर लेनी है। छोटा सा ग्रेटर से ग्रेट कर लेनी है अच्छे से। ये हमने गेहूं का आटा लिए हैं, आप इसको मैदा में भी बना सकते हो। ये हमने थोड़ा सा नमक दिए हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। ये थोड़ा सा हल्दी, अच्छा दिखेगा पराठा, बहुत ही सुंदर दिखेगा खाने में, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। और ये थोड़ा सा तेल डाल के हमने इसको मोयम लगानी है आटे को, खस्ता बनेगा और सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट। ये हमने अच्छे से मोयम लगा लिए हैं। फिर हमने ये ग्रेट किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे और ये टमाटर। मेरा टमाटर बहुत बड़ा था इसीलिए हमने आधा टमाटर ग्रेट करके डाले हैं, पराठा खट्टा हो जाएगा इसीलिए हमने आधा टमाटर डाले हैं। और ये धनिया पत्ता, हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया, छोटे छोटे बारीकी से काट लीजिए। फिर इसको हमने, और ये अजवाइन आटा के साथ मिलाएंगे। ये पराठा में अजवाइन बहुत ही स्वाद लगता है, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, टेस्टी बनेगा। और इसको हमने अच्छे से आटा के साथ मिला लेनी है, सारा चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको डो बना लेंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप डो बना लीजिए। ये हमने डो बना लिए हैं, बहुत सॉफ्ट डो बनाए हैं। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल के हमने इसको 10-15 मिनट ढक के रख दीजिए, और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमने तेल लगा लिए हैं, अभी ढक के 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। यह हमने 15 मिनट बाद लौटे हैं और थोड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा लोइया निकालिए, पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। सूखा आटा छिड़क के हमने इसका चौको पराठा बनाएंगे, दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा, खाने में भी सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये हमने गोल करके बेल लिए हैं, बीच में तेल लगा लिए हैं और फिर इसको एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, और ये देखिए अच्छे से तीसरा चौथा बन गया, स्क्वायर बन गया। अभी इसको हम आटा छिड़क के बेल लेंगे, एकदम फटाफट बेल लेंगे इसका चौको पराठा, हरा धनिया का चौको पराठा, बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही टेस्टी बनता है, ये देखिए फटाफट हमने बेल लिए हैं चौको पराठा, हरा धनिया का चौको पराठा। नॉर्मल तवा से, तवा में बनाइए, नॉनस्टिक में बनाना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, आपका रेगुलर तवा में भी इसको आप अच्छे से बना सकते हो। ये हमने पलट दिए हैं, हमने इसको तेल से सेकेंगे। आप इसको बटर से, घी से, किसी भी चीज़ से सेक सकते हो, आपका मनपसंद चीज़ से आप इसको सेक सकते हो। मैंने तेल से बनाई हूँ, मेरे को घी उतना ये नहीं होता है इसीलिए मैं तेल से ही हर पराठा बनाती हूँ। आप इसमें घी भी लगा सकते हो और बटर से भी सेक सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है हरा धनिया का पराठा, एक बार बनाइए। ये लीजिए बन गया आपका हरा धनिया पराठा, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी, कलर बहुत अच्छा आया है पराठा का। हमने हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाले थे, ये लीजिए दूसरा पराठा बन गया। इसी तरह हमने सारे पराठा सेक लेनी है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा फूली फूली पराठा, एकदम फूली फूली पराठा, सॉफ्ट,
बन गया। हमने सारा पराठा एक एक करके सेक लिए हैं। ये लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उससे भी अच्छा, एकदम खस्ता सॉफ्ट नरम। इसको आप चटनी के साथ लीजिए, अचार के साथ लीजिए, अचार सब्जी नहीं अचार के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। कोई भी अचार ले लीजिए, लहसुन की अचार ले लीजिए, हरी मिर्च लहसुन की चटनी ले लीजिए, कोई भी तीखा अचार ले लीजिए और इसके साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा, एक बार बनाइए खाइए, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा रहा आपका ये हरा धनिया पराठा। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, खुद खाइए दोस्तों को खिलाइए। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट और नरम, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊंगी।